नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं यूपी पीसीएस मेंस और आईएएस मेंस के लिए जीएस पेपर टू का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि लोकसभा अध्यक्ष की अधिकार एवं शक्तियां क्या हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार एवं शक्तियां निम्नलिखित 10 हैं। पहला देखिए कि वह सदन की कार्यवाही एवं संचालन के लिए नियम एवं विधि का निर्वहन करता है। नियम और विधि जो बनाई गई है लोकसभा के संचालन करने के लिए, उसका निर्वहन लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। दूसरा देखिए कि वह सदन के भीतर भारत के संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया, कार्य संचालन एवं संसदीय परंपराओं की व्याख्या करता है और उसका ही निर्णय अंतिम होता है। तीसरा देखिए कि वह गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित कर सकता है। गणपूर्ति से आशय यह है कि टोटल लोकसभा की सीटें हैं 543 और इसका 10% उपस्थित होंगे तभी वह सदन आयोजित होगा। अर्थात 54 सदस्य जब उपस्थित होंगे तभी वह सदन को आयोजित किया जाएगा लोकसभा के। तो इसी को ही गणपूर्ति कहा जाता है। चौथा देखिए कि वह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। पांचवा देखिए कि वह सदन में मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत दे सकता है। छठा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। सातवां कि संयुक्त सदन की गुप्त बैठक बुला सकता है लोकसभा का अध्यक्ष। आठवां देखिए कि दसवीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर किसी सदस्य की योग्यता का निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। नवां देखिए कि सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है तथा वह स्वयं भी कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष भी होता है। दसवां तथ्य याद रखना यह कि सदन में उसके कार्यों एवं आचरण की आलोचना नहीं की जा सकती। तो लोकसभा अध्यक्ष के 10 महत्वपूर्ण अधिकार एवं शक्तियां थी। तो मिलते हैं जल्दी अगले प्रश्न में, तब तक सादर नमस्कार।